नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायः लोकतंत्रों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। भारत में अक्सर हम सुनते हैं कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। तो वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है? क्या भारतीय प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है? हम सब लोगों को लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री को हमने निर्वाचित किया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या संविधान में प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है या प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है? आइए देखते हैं। और अगर हम संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का मिलाजुला एक लेखा जोखा रखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान में या भारतीय पूरी राजनीतिक व्यवस्था में हमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस संबंध में एक राजनीतिक और दूसरा संवैधानिक, इन दोनों ही प्रक्रियाओं का एक सम्मिश्रण दिखाई देता है। और इसीलिए प्रायः हम लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है या निर्वाचित हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है और इस संबंध में हमारी एक्चुअल प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी प्रधानमंत्री के नियुक्त की बात होती है, निर्वाचन की बात होती है, तो उसका पहले राजनीतिक पहलू देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2014 के आम चुनावों को लें या 2019 के आम चुनावों को लें, इन दोनों ही चुनावों में हमने देखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर रखा था। 2014 के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपने पार्टी के संभावित प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था और ये कहा था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी होंगे। इसी प्रकार से 2019 में जब हम लोग देखते हैं तो भी स्वयं प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में, पार्टी के लीडर के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और सबको ये विदित था कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के बाद एक स्पष्ट सबको रहता था कि जवाहरलाल दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा, अर्थात जवाहरलाल का जब भी निर्वाचन हुआ, देश में आम चुनाव हुए, तो ये बात हमेशा रही कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होंगे। इंदिरा गांधी के समय में जो चुनाव होते थे तो हमेशा यही बात होती थी कि इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री होंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे देश में ऐसे अवसर आए हैं जबकि चुनावों के पहले ही हमको ये ज्ञात होता है कि वास्तव में हम एक प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री की पार्टी को अगर हम चुनते हैं तो वस्तुतः हमारे अंदर ये भाव रहता है कि हम एक देश का स्पष्ट प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, जो हमने 2014 और 2019 के आम चुनावों में भी देखा। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक प्रक्रिया है, आइए देखें हैं कि क्या है। पहली चीज तो ये है कि कोई पार्टी जो शुरुआत करती है एक व्यक्ति को अपने पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर सकती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पार्टी के द्वारा घोषित भी किया जाता है उसके लिए भी जो संवैधानिक व्यवस्था यही है कि पहले उसे एक एमपी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 2014 का भी चुनाव लड़ा और वो प्रधानमंत्री बंगालांतर में निर्वाचित हुए, और इस बार भी उन्होंने 2019 में भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ा और वहाँ से वो निर्वाचित घोषित हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रधानमंत्री को अपने पार्टी के द्वारा नामित किए जाने के बाद भी उसे एक सांसद के रूप में पहले चयनित होना पड़ता है किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से। जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से चयनित हो जाता है और उसकी पार्टी सत्ता में आज सबसे बड़ी पार्टी की बहुमत दल के रूप में उभरती है या उसका जो कोलिशन है वो बहुमत दल के रूप में उभरता है, तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि वो उसकी पार्टी या उसका कोलिशन, जो उसका कोलिशन गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार है, वो संसद में जितने भी लोग चुन के आते हैं वो संसदीय दल के नेता के रूप में उसका निर्वाचन करते हैं। और जब संसदीय दल के नेता के रूप में उसका निर्वाचन हो जाता है तो ये तय हो जाता है कि वही भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इतने से भी बात ख़त्म नहीं होती है। सारे दलों को, जिन्होंने कि संसदीय दल के घटक होते हैं, उन सारे दलों को जिन्होंने कि ये तय किया होता है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जाके राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि हम फला व्यक्ति को
अपने दल के नेता के रूप में मान्यता दे रहे हैं, लिहाजा हमारा समर्थन उनके पीछे है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के पीछे है। और तब स्वयं जो व्यक्ति दल का नेता चुना जाता है, जैसे इस केस में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी 2014-2019 में, तब उनको राष्ट्रपति के पास जाना होता है और राष्ट्रपति के पास जाके उनको बताना होता है कि हमें बहुमत का समर्थन संसद में प्राप्त है और फला 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 दल हमारे साथ हैं। और जब इतना वो सब कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री पद बनाने की मेहरबानी की जाए, अर्थात हमें प्रधानमंत्री पद बनाया जाए, हमारे संसदीय दल ने हमको इसके लिए अधिकृत किया है। और इतना होने के बाद तब जाके कहीं दूसरी स्थिति आती है जो संवैधानिक स्थिति, वहाँ से शुरू होती है और तब राष्ट्रपति के पाले में बॉल जाती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, हमारा संविधान कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा फ्रेज है, क्योंकि इतना कह के ये चुप हो जाता है और फिर ये नहीं बताता कि भारत का प्रधानमंत्री एक भारत का राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन हमारा संविधान इस बात पे बिल्कुल मौन है कि वो व्यक्ति कौन होगा, उस व्यक्ति की क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपने जजमेंट को लेगा, ये सब बातें हमारा संविधान नहीं बताता है और सीधे सीधे ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगी और राष्ट्रपति जब संतुष्ट हो जाता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग याद करें संविधान सभा की डिबेट को, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बारे में ये कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, ये एक प्रकार से उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, अर्थात उसका एक विशेषाधिकार है कि वो जिसको चाहे नियुक्त कर दे, क्योंकि संविधान उस पर कोई बाध्यता ही नहीं आरोपित करता कि वो व्यक्ति कौन होना चाहिए, वो व्यक्ति की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, उसकी क्या अदर क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बस एक फ्लैट वो कर दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और इस अगर इस आर्टिकल को गंभीरता से पढ़ा जाए तो इसमें डिस्क्रिशनरी पावर अच्छी खासी दिखाई देती है, जो कि कुछ विषम परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जहाँ पे स्पष्ट बहुमत हो, जहाँ पे कि नेतृत्व विवादित ना हो और एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिले और एक पार्टी क्लियरली अपना एक नेता चुन ले, वहाँ पे राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन जाता रहता है। लेकिन आप उस परिस्थिति की परिकल्पना करें जहाँ किसी पार्टी को बहुमत संसद में न प्राप्त हो, जहाँ कोई पार्टी अपना नेता न तय कर सके कि भाई हमारा कौन प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, कौन हमारा नेतृत्व संभालेगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास वो डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाते हैं कि वैसी विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति अपना जजमेंट इस्तेमाल करता है कि वास्तव में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। अदरवाइज तो जो ब्रिटिश परंपराएं हैं इस संबंध में, उसका पालन किया जाता है और राष्ट्रपति उसका पालन करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः वो ऐसा करने में देख सकता है, अगर कभी असमंजस की स्थिति हो तो वो देख सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निम्न सदन अर्थात लोकसभा से आना चाहिए, सामान्यतः ऐसी ब्रिटिश परंपरा है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने कांग्रेस के काल में देखा, यूपीए के काल में देखा कि मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वे राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने, या जो कोलिशन यूपीए जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना नेता चुना और राष्ट्रपति ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में इन्वाइट किया। तो इस प्रकार से जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री पद एक ऐसा पद है जहाँ की राजनीतिक जहाँ पहलू का सवाल है, वहां पे वो निर्वाचित होता है, वो एक एमपी के रूप में निर्वाचित होता है, वो देश के नेता के रूप में निर्वाचित होता है, वो संसदीय दल के द्वारा अपने नेता के रूप में निर्वाचित होता है। लेकिन ये सब अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया जहां से शुरू होती है कि जब ये सब कार्यक्रम हो जाते हैं, जब ये सब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब राष्ट्रपति के बॉल कोर्ट में जाती है, राष्ट्रपति के कोर्ट में बॉल जाती है और तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की विधिवत नियुक्ति करता है, अपॉइंट करता है और प्रधानमंत्री से कहता है कि
आप अपना समय और तारीख बताइए जब मैं आपको शपथ दिला सकूं। और अंत में प्रधानमंत्री एक तारीख तय करता है जिस दिन राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। और इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री पद पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। फिर अगले 5 वर्ष तक यदि उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के रूप में करता है। और इस प्रकार से ये एक भारतीय राजनीति में विशेष प्रयोग है जिसमें कि राष्ट्राध्यक्ष हमारे सरकार के अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बावजूद इसके कि वो व्यक्ति नीचे से निर्वाचित होकर कई चरणों में अपने पद के लिए उपयुक्त पाया जाता है। आशा है ये इससे क्लैरिटी हुई होगी। और इस संबंध में यदि आपके कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।